नमस्कार दोस्तों, आप सबका प्रमोद बीटू ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो हम आज आए हुए हैं, एक सिरिया नाला है जहाँ, और हमारे देवीपाटन मंदिर के बगल में ही है। बहुत ही बड़ा नदी नाला है वो, और हम आपको दिखाएंगे गंगा जी का धारा बहुत तेज़ चल रहा है इस समय। यहाँ पे बाढ़ आ चुका है बहुत काफ़ी तेज़ी से, तो हम आपको दिखाएंगे चारों तरफ चल के। तो ये छोटू भी आपको बताएगा। छोटू बताओ। आज हम आए हैं घूमने सिरिया नाला में। और बाढ़ आया है, बताओ सभी को। बाढ़ आया है। अब हम चल रहे हैं बाढ़ देखने के लिए, और आप सब देख सकते हैं कि इस रोड से हम जाएंगे, मगर इस रोड पर बहुत ही काफ़ी पानी है, तो हम अपना चप्पल निकाल के हाथ में ले लिए हैं, और अब हम चलेंगे नंगे पैर ताकि हमारा पैर कहीं फिसल ना जाए। और बहुत ही महंगा फ़ोन भी मेरा गिर सकता है। और अब हम चल रहे हैं, देख सकते हैं पानी में हम चलते चलेंगे, इसी पानी में रोड देख सकते हैं आप सब, वो आदमी लोग भी जा रहे हैं, तो हम आप सबको दिखाने के लिए चल रहे हैं। तो ये लोग पहुंच गए हम जहाँ पे बाढ़ आया है बहुत तेज़ी से, देख सकते हैं आप सब, वहाँ पे जो खेते हैं उन खेतों के बराबर पानी चल रहा है, आप सब देख सकते हैं। देख सकते हैं कितने सारे लोग देखने के लिए बाढ़ को आ रहे हैं बारी बारी से। देख सकते हैं इधर पूरा सैलाब मच गया है, इधर देख सकते हैं बहुत ही काफ़ी तेज़ी से पानी चल रहा है और यहाँ तक पानी आ गया है। देख सकते हैं खेतों में भी पानी जाने की उम्मीद आ गई है, और इस तरफ भी काफ़ी पानी भर चुका है। और आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे इधर से पानी निकलता है, ये पानी यहाँ से निकल के और इधर निकल जाता है। ये देखिए, ये पुल नीचे के द्वारा, और ये फिर जाके उसी सिरिया नाला में बाढ़ में मिल जाता है। आप सब एकदम नज़दीक से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा, देखिए एकदम पानी ये यहाँ चढ़ आया है, इधर चढ़ने के लिए एकदम से आ गया है। कम से कम ये पानी 100 फीट गहराई इसके अंदर है, इस पानी के अंदर देख सकते हैं खेतों के बराबर पानी चलने लगा है, और ये पेड़ भी झुक गया है, इसी पानी में गिरा जा रहा है एकदम से। दोस्तों काफ़ी बारिश होने की वजह से हर जगह चिपचिपाहट और लेवा बहुत ज़्यादा हो गया है, कीचड़, इसलिए देख सकते हैं मैं इस लेवा कीचड़ में बहुत ही मेहनत करके आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए चल रहा हूँ। और अभी दिखाऊँगा कि जो ट्रेनें जहाँ से गुजरती हैं उसके नीचे भी पानी बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो ये लोग हम आ गए हैं रेलवे लाइन पटरी पर, और आप सब देख सकते हैं ये बाढ़ ही बहुत, इसके नीचे से पानी बहुत तेज़ी से निकल रहा है, और उधर आप सब देख सकते हैं कि लोग उसी रास्ते से गांव में जाते हैं। और इस पानी की स्पीड कम से कम 90 या 100 की स्पीड में पानी बह रही है बहुत तेज़ी से, और देख सकते हैं कि जो आने जाने के रास्ते के नीचे बीम डाला गया है उस बीम को फाड़ के पानी निकल रहा है, टकरा के बहुत तेज़ी से चलता है। देख सकते हैं इधर इधर का भी नज़ारा बहुत ही, काफ़ी नुकसान होने का भी डर है, क्योंकि थोड़ा ही बचा है, नहीं तो पानी ऊपर से भी क्रॉस कर सकता है, गांव में भी जा सकता है, या अदरवाइज इधर उधर खेतों में भी बह सकता है पानी, मगर ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ऐसे ही बाढ़ आता रहता है हमेशा। बाढ़ के दौरान आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ घर भी हैं, वो घर में भी पानी भर गए हैं काफ़ी। देख सकते हैं 5-6 घर यहाँ पर बने हैं जो कि इसी बाढ़ के द्वारा, उन घरों में भी पानी बहुत ज़्यादा चले गए हैं, और लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है। दोस्तों देख सकते हैं आप सब, हम आप लोगों को बाढ़ दिखाने के लिए कितने मेहनत करके इस पानी में गए थे, देख सकते हैं, और हमें इसी पानी में से निकलना है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।